हाई गाइज़ दिस इज अज़रा एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें हंसी खुशी के भाव को किस तरह से इंग्लिश में एक्सप्रेस किया जाता है आज इस वीडियो में हम सीखेंगे तो चलिए देखते हैं गाइज वो कौन से सेंटेंसेज हैं किस तरह से हम खुशियों को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं द फर्स्ट सेंटेंस अगर अगर आपको कहना है कि वह हंस पड़ी वह हंस पढ़ी तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे शी बस्ट इंटू लाफ्ट शी बस्ट इंटू लाफ्ट एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेज अगर आपको कहना है कि वह मन ही मन में हंसी वह मन ही मन में हंसी तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे शी लाव अपर स्लीव शी लाव्ड अप हर स्लीव कैज मैं यहाँ लड़की के लिए बात कर रही हूं अगर आप किसी लड़के के लिए बात ये करना चाहते हैं वह मन ही मन में हंसा तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं ही लाव्ड अप लाव्ड अप हिस्स स्लीव एंड द नेक्स्ट सेंटेंसिस अगर आपको कहना है वह एकाएक हंस पड़ी वह एकाएक हंस पड़ी तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे शी ब्रोक इंटू अ लाफ शी ब्रोक इंटू अ लाफ एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर आपको कहना है वह खूब खूब हँसी वह खूब खूब हंसी तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे शी लाव द हटी लाफ शी लाफ अ हटी लाफ एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर आपको कहना है कि वह ठहाका लगा कर हंस रही थी यानी वह ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे शी वॉज रोरिंग विथ लाफ्टर शी वॉज रोरिंग विथ लाफ्टर या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं शी रोल्ड विथ लाफ्टर शी रोल्ड विथ लाफ्टर एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर आपको कहना है उसने हंसकर धन्यवाद दिया उसने हंसकर धन्यवाद दिया तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे शी हर थैंक्स शी लाव्ड थैंक्स एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर आपको कहना है कि उसने मुस्कुरा कर धन्यवाद दिया उसने मुस्कुरा कर धन्यवाद दिया तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे शी स्माइल्ड हर थैंक्स शी स्माइल्ड हर थैंक्स एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर आपको कहना है कि वह मुस्कुरा रही थी वह मुस्कुरा रही थी तो आप सीधे कह सकते हैं शी वॉज अ स्माइलिंग शी वॉज अ स्माइलिंग

एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेज अगर अगर आपको कहना है कि उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा है उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा है तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे हर फेस इज़ रीज इन स्माइल्स हर फेस इज़ रीज्ड इन स्माइल्स एंड द नेक्स्ट सेंटेंसिस अगर आपको कहना है वह दबे रूप से हंस रही है वह दबे रूप से हंस रही तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज चकलिंग टू हर सेल्फ शी इज चकलिंग टू हर सेल्फ एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेज अगर आपको कहना है वह आनंद मुद्रा में है वह आनंद मुद्रा में है तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ इन अ जॉली मूड शी इज़ इन अ जॉली मूड एंड द नेक्स्ट सेंटेंसिस अगर आपको कहना है कि वह खुशियाँ मना रही है वह खुशियाँ मना रही है तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज रिजॉयसिंग शी इज रिजॉयसिंग एंड द नेक्स्ट सेंटेंसिस अगर आपको कहना है वह आनंद विभोर है वह आनंद विभोर है तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज इन एन एक्स्टेसी ऑफ जॉय शी इज इन एन एक्स्टेसी ऑफ जॉय एंड द नेक्स्ट सेंटेंसिस अगर आपको कहना है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है शी इज़ इज़ाइड हर्सल्फ विद जॉय शी इज बिस्ड हर्सेल्स विद जॉय आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं हर जॉयज नो नो बाउंस हर जॉयज़ नो नो बाउंस गाइज यहाँ पे मैं सेंटेंसेस जो भी मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ सारे मैं एक लड़की के लिए बोल रही हूँ आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं अगर यहाँ किसी लड़के के लिए बात हो रही है तो आप शी की जगह आपको ही लगाना होगा जहाँ पर हर है वहाँ पर आपको हिज का यूज़ करना होगा ओके तो आप सेंटेंस आप सब्जेक्ट के हिसाब से आप सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं द नेक्स्ट इज अगर आपको कहना है कि वह हंसी के कारण बोल नहीं पाती वह हंसी के कारण बोल नहीं पाती तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे शिकांत स्पीक फॉर लाफिंग शिकांत स्पीक फॉर लाफिंग सेंटेंस इज अगर आपको कहना है कि वह ही ही कर रही है यानी वह धीरे हंस रही है जैसे मतलब Uh, कुछ ऐसी हंसियाँ होती हैं जैसे कि बहुत तेज तेज ना हंस के धीरे धीरे हंसना तो उसको गिगल करना कहते हैं उसको ही ही कहते हैं हम हिंदी में तो ही ही करने को हम गिगल करना कहते हैं तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ गिगलिंग शी इज गिगलिंग द नेक्स्ट सेंटेंस ये अगर आपको कहना है कि वे हंसी मजाक कर रही हैं वे हंसी मजाक कर रही हैं तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे दे आर बैंटरिंग दे आर बैंटरिंग तो गाइज ये थे कुछ हंसी मजाक से रिलेटेड सेंटेंसेस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो आपने सीखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें तो गायज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नेक्स दोस्तों के साथ प्रैक्टिसंग की प्रैक्टिसिंग स्माइलिंग थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय